मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए खास सौंफ का शरबत, जो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है और पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो हमने लिया है 2 बड़े चम्मच हरी सौंफ और हमने लिया है 10 से 12 काली मिर्च के दाने और 5 से 6 हमने खड़ी इलायची ली है। 1 चम्मच काला नमक लिया है और हमने लिया है मिश्री। अगर आपके पास मिश्री है तो मिश्री लीजिएगा, अगर मिश्री नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका पाउडर बनाते हैं, फिर हम शरबत बनाएंगे। तो इसमें हम डाल देंगे मिश्री। तो हमने जितनी सौंफ ली है उसका 2 गुना हमने मिश्री ले लिया है। 2 चम्मच सौंफ है तो 4 चम्मच मिश्री लिया है हमने। और इसके अंदर ये सौंफ भी डाल देंगे, इलायची भी डाल देंगे, काली मिर्च भी डालेंगे। तो इसके साथ ही इसमें नमक भी डाल देंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। सौंफ का पाउडर हमारा अच्छी तरीके से पीस चुका है तो इसे हम एक छन्नी में डाल देंगे, इसे अच्छी तरीके से इसे छन जाए और सौंफ का जो बीज होगा वो छन्नी में निकल जाएगा। तो इसे मैंने छान लिया है और इसका जो बीज है सौंफ का इसे हम हटा देंगे और इसे बाद में पीसकर इसका हम शरबत बना सकते हैं। तो चलिए हम शरबत बना लेते हैं। तो इस पाउडर को हम एक बाउल में रख लेते हैं। तो शरबत बनाने के लिए हमने एक बर्तन ले लिया है और उसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। तो हमें 2 गिलास शरबत बनाना है तो इसके अंदर हम 2 चम्मच भर करके ये पाउडर डालेंगे, इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। और मैंने लिया है 1/2 नींबू तो इसका रस इसके अंदर हम डाल देंगे, इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमने 2 गिलास रखे हैं शरबत डालने के लिए। तो इसके अंदर हम डालेंगे आइस क्यूब। तो हमने 1-1 आइस क्यूब डाली है, आपको जितना ठंडा पसंद है आप और ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके अंदर डालेंगे कुछ पुदीने के पत्ते, मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे शरबत। तो हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सौंफ का शरबत बनकर तैयार हो गया है। तो इस गर्मी में आप इसे जरूर बनाइए और इंजॉय करिए। फिर हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका सौंफ का शरबत कैसा बना।